सर हो गया। नमस्कार, हो गया सर चालू है अभी, रुक जाइए। नमस्कार, शेखर सुमन जी को नमस्कार करता हूँ और सभी को लेकर ये सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ। विजय सप्रेम भोपाल से मेरे साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री विवेक तिवारी मेरे शिष्य, और तबले पर मेरे साथ साथ दे रहे हैं उस्ताद इकरार हुसैन साहब। सर्वप्रथम राग यमन कल्याण में बड़ा ख्याल प्रस्तुत करूंगा, मेरा मन बांध ले लो इन जोगिया के साथ एक ताल, उसके बाद छोटा ख्याल मदद लय तीन ताल में है। तुलसीदास जी की रचना है, मना काहे न धीरे धरता हो, धीरे धीरे सब कागज। उसके बाद जो बता गाऊंगा मैं आपको बताता जाऊंगा। Ah।
Mana mana re noi na yogi age sa.
बदरिया कारी रोला
अंत में और भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये बिल्कुल
समाधि धरो रे, शांत समाधि धरो रे, धरो रे, धरो रे, धरो रे, ये दुख मेरे हाथों में बुला, ये दुख मेरे हाथों में बुला, ये गीत और भी तरह से गाते हैं लोग, पर ये राजस्थान की एक पत्रिका से मैंने ये लिया हुआ है और मीरा माधव नामक ना उसका शीर्षक था, शीर्षक है उसमें से मैंने इसमें से ये मैंने गीत लिया था। और भी तरह से गाते हैं, तरह तरह से गाते हैं। मैं आजकल ये लॉकडाउन चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग आप रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग से अच्छा शब्द है फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल नहीं है यानी समाज से अलग नहीं होना है हमको, तो और कहीं जाइए, बाहर जाइए, ज़्यादा इधर उधर काम नहीं हो तो ना जाइए, जब जाना पड़े तो उसके लिए सावधानी रखिए और सैनिटाइजर से साबुन से हाथ धोते जाइए और आयुर्वेदिक बहुत काढ़े आते हैं उससे आप बचाव कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी आजकल चलते चल गए, ह्यूमैनिटी में ह्यूमैनिटी बढ़ाते रहिए और कुछ नहीं होगा, सब स्वस्थ रहेंगे। और आजकल ये एक प्रॉब्लम हो गई है कोरोना में, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसी की नौकरियां नहीं जाएंगी, पर अक्सर मैं मुझे सुनने में आ रहा है, मुझे बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी बात लोग मान नहीं रहे हैं। और ये प्राइवेट स्कूल वाले अधिकतर कर रहे हैं, उससे अधिकतर कुछ सरकारी संस्थाओं में से भी ये प्रॉब्लम की गई है। मैंने सुना कि कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटा दिया है, अब ये उनकी क्या गलती थी बेचारों की कि कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटा दिया गया, किसी फिर महिला विकास है यहाँ पे कोई महिला विभाग उसमें से हटा दिया गया, उनकी क्या क्या बेचारों की प्रॉब्लम वो थी हाँ। और कई जगह स्कूलों में और स्कूल वाले ये भी बता रहे हैं कि लोग फीस नहीं दे रहे हैं, यदि मेरा भी ये निवेदन है कि स्कूल वाले भी फीस कहाँ से देंगे, यदि आप उन्हें फीस देंगे, यदि वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन सिखा रहे हैं,
तो आपको पेरेंट्स को चाहिए कि आप बच्चे की फीस स्कूल को पे करें, मैं तो करूँगा। और फिर भी ये नहीं है कि केवल विषयों को लेके हम चल रहे हैं लोग, और संगीत वाले लोगों को, गेम्स वाले लोगों को हटा दे रहे हैं लोग, ये बहुत बुरी बात है। और पर घबरा कर लोग प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को शिकायत नहीं कर रहे हैं, पर कुछ जगह यह हो रहा है। और आजकल वैसे ही जॉब की बड़ी समस्या है, न जाने क्या हो गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो एक आशा जगी थी, मैं इस जगह का उपयोग करके मैं कह रहा हूँ, जो प्रथम सरकार जो हमारी आई थी उसने कई जगह कई लोगों के जॉब दिए, आकाशवाणी खोली, आकाशवाणी केंद्र खोले, बड़े हमारे कलाकारों का उसमें जॉब लगे, और आज बहुत बड़े बड़े नाम हो गए उनके, जिनको आकाशवाणी में जॉब लगी। पर वही एक अंतिम कांग्रेस की अंतिम सरकार ने, वो मैं पहली सरकार की भी तारीफ कर रहा हूँ, मैं अंतिम सरकार की भी ये बात कह रहा हूँ। मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय ये आकाशवाणी को पेन लगा दिया गया, और तब से और नई सरकार ने भी उसमें कोई कदम नहीं उठाया, और हमारे डिग्रेड किए हुए कलाकार लड़के बैठे हुए हैं और होटलों में गा रहे हैं, बजा रहे हैं। उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ, आकाशवाणी में बैन खोले जाएं, ये हमारे बड़े बड़े कलाकारों को ये कहना चाहिए। ये केवल माननीय नरेंद्र चंचल जी ने बात कही, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। लॉकडाउन में जो रोज कमाने वाले लोग हैं वो बहुत परेशान है, जो रोज ऑर्केस्ट्रा वाले, रोज तबला ढोलक बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले, वो लोग परेशान हैं, जो कहीं जॉब नहीं करते। इसलिए रेलवे विभागों में पहले विभागीय कलाकार हुआ करते थे, अब रेलवे के प्राइवेटाइजेशन के कारण वो भी समाप्त होता जा रहा है, वो प्राइवेट वाला क्यों कलाकारों को रखेगा। मेरे इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि इन सब बातों पर उनका ध्यान यदि गया तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। वो बहुत अच्छे सहृदय व्यक्ति हैं, बहुत से विभागों में से कलाकारों के पद खत्म कर दिए गए हैं हमारे 15-20 साल पुरानी सरकारों ने। समाज कल्याण में अब कलाकारों का कोई रोल नहीं रह गया है, कला से समाज कल्याण का गौरव हुआ करता था, जगह जगह जाके वो गांव में इंटीरियर में जाके प्रचार करते थे कला पथक वाले, अब कला पथक भी बंद कर दिया गया है। और जहां भी संविदा नियुक्तियों पे दी गई है वहां पे 8-9 हजार रुपए में रख रहे हैं हमारे भारत। तो ये जब सिंधिया सरकार थी तो सिंधिया सरकार के मैं तारीफ करता हूँ कि वहां पे